केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर जहां एक तरफ देश भर के किसान करीब 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खुलवाने को लेकर स्थानीय ग्रामीण और आंदोलनकारियों के बीच पिछले कई दिनों से ठनी हुई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ रास्ता खुलवाने को लेकर पैदल मार्च निकाला। लेकिन इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों को आगे नहीं बढ़ने दिया और उनको आश्वासन देकर पैदल मार्च वहीं खत्म करा दिया। इस दौरान ग्रामीण का कहना था कि अगर किसानों को आंदोलन करना है तो वो जंतर मंतर पर जाएं। तो वहीं चेतावनी देते हुए ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि अगर आंदोलनकारी किसानों ने रास्ता नहीं खोला तो हम टकराव के लिए तैयार हैं। सभी को ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी किसान मोर्चे के हैं, इनके का डिमांड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, दिल्ली सरकार से करो ना, ये दिल्ली में जाके करो। हमारी एरिया क्यों क्यों बर्बाद करने पर तुले हैं ये लोग। रामलीला ग्राउंड में जाओ, जंतर मंतर में जाओ, यहाँ 8 महीने हो गए, 8 महीने में 80% आदमी बेरोजगार हो चुके हैं और ये हम कब तक रहेंगे यहाँ। पहले भी हम बता चुके हैं, ये इस एरिया का आदमी ठंडा जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। हम ना अंग्रेजों से डरे ना मुसलमानों से डरे, हमारे बड़े काले पानी भी गए हैं, हमारे में भी वही खून है। अगर ये रास्ता नहीं खोल लेंगे ना तो हम टकराव के लिए बिल्कुल। वहीं दूसरे ग्रामीण ने बताया कि जिला प्रशासन और हमारे बीच सहमति बन गई है, 1 हफ्ते का समय दिया है, उसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें मजबूरन गांव के रास्तों को रोकना पड़ेगा। देखिए, जिला प्रशासन से हमने बातचीत की है तो प्रशासन की तरफ से हमें ये आश्वासन दिया गया कि भाई हम प्रदेश सरकार से इस बारे में बातचीत करेंगे और पॉजिटिव उसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालेंगे। पूरी तरीके से उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। भाई साहब देखिए, एक तो सबसे पहली बात, हम वैधानिक चलना चाहते हैं। आज भी हमने अपनी यात्रा वैधानिक करी है, परंतु मजबूरी में लास्ट ऑप्शन के तौर पर हम यहाँ पे किसान जो है ना सारे मिल के शामिल हो सड़कों पर उतरे हैं। तो अगर सरकार सुनवाई नहीं करती तो रास्ता ही क्या बचता है, या तो आदमी आत्मदाह कर ले और क्या करे, अब जिए कैसे फिर, नहीं तो फिर हम अपने गाँव के जितने भी रास्ते उन सबको रोकेंगे। बहरहाल, एक साइड का रास्ता खुलवाने के लिए आंदोलनकारी किसानों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच चल रहा ये विवाद जहाँ आज निर्णायक मोड़ पर था, तो वहीं जिला पुलिस ने हालात बिगड़ने के डर से पैदल मार्च को आश्वासन देकर बीच रास्ते में बंद करवा दिया। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस आश्वासन पर कितना खरा उतरता है या फिर आने वाले समय में स्थानीय ग्रामीण कोई और कदम उठाने पर मजबूर होंगे। सत्य खबर के लिए पवन सिंह की रिपोर्ट, कंटेंट राइटर मीनू सबरवाल। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।